बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे करियर इन एयरफोर्स। अगर आप भारतीय वायुसेना में अपना करियर बनाना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, देश सेवा करना चाहते हो कक्षा 12 के बाद में, ठीक है, तो आप किस तरह से जो है ना इसमें जा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, ठीक है। देखिए, हर एक का अपना अलग होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएट अगर आप हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका अलग है, ठीक, आपके तरीके अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कक्षा 12 पास हो, 12th पास आउट हो, तो आपके तरीके थोड़े अलग होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए, या जो अपीयरिंग है वो बच्चे भी इसमें जा सकते हैं, करियर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम जो भारतीय वायुसेना है उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किन किन चीज़ों में करियर बना सकते हैं। देखिए, आपको जहाज़ को देख के लगता है कि बस भारतीय वायुसेना में जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं बस वही उड़ते रहते हैं, मतलब सिर्फ पायलट ही पायलट होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। एक तो हो गई सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच, पायलट जो कि जहाज़ को उड़ाते हैं, जो आपका एयरक्राफ्ट होता है उसके जो पायलट होते हैं तो वो फ्लाइंग ब्रांच में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आती है वो होती है टेक्निकल ब्रांच। अब देखिए, जो जहाज़ हैं आपके, जो एयरक्राफ्ट है, ये एक मशीन है, तो उसे भी सही करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो दूसरी होती है आपकी टेक्निकल ब्रांच, और तीसरी होती है आपकी द नॉन टेक्निकल ब्रांच। अब देखिए, टेक्निकल हो गया, इसके अलावा कई अदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जैसे किसी एयरक्राफ्ट का सामान वगैरह आ रहा है, ठीक है, और उसका सपोर्ट वगैरह, कई इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, लोगों का रख रखाव, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए नॉन टेक्निकल स्टाफ की भर्ती होती है। तो 3 भागों में आपकी भारतीय वायुसेना बढ़ जाती है। एक तो फ्लाइंग ब्रांच हो गई, ठीक है, जिससे पायलट होते हैं, जो एयरक्राफ्ट आपके होते हैं उन्हें उड़ाते हैं। टेक्निकल ब्रांच, जो आपका एयरक्राफ्ट होता है उसे सही करते हैं टेक्निकल ब्रांच वाले, और जो नॉन टेक्निकल ब्रांच होते हैं वो उन्हें असिस्ट करते हैं, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है एडम सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एडम सपोर्ट मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, वो होती है नॉन टेक्निकल ब्रांच। अब हम आगे देखते हैं, आपको इसके आगे बताते हैं कि इन तीनों में आप किस तरह से आगे आगे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं जो कक्षा 12 पास वाले बच्चे हैं, इसमें जा सकते हैं। इसमें चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ दोनों, ठीक है, पहले ऐसा था कि लड़कियां इसमें नहीं जाती थी, परंतु अब जो है ना लेटेस्ट में लड़कियों की भी भर्ती होती है एनडीए के थ्रू। तो कक्षा 12 पास हो तो आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका एसएसबी होगा, फिर अगर आप पायलट बनने जा रहे हो तो इसके लिए आपका पीएबीटी और सीपीएडब्ल्यूएस आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कक्षा 10 प्लस 2 मतलब कि कक्षा 12 पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स से और मैथ से। तो फिजिक्स और मैथ से आपका कक्षा 12 पास आउट होना चाहिए एयरफोर्स में जाने के लिए। यहीं अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ कक्षा 12 पास होने की ज़रूरत होती है, परंतु एयरफोर्स के लिए आपको फिजिक्स और मैथ भी होना चाहिए। हालांकि परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 70% हो, 80% हो, 90% हो, तो परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आपकी एज लिमिट देखिए, जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हो तो आपकी 15.5 से 18 साल के बीच में आपकी फॉर्म भरते समय आपकी जो है ना एज होनी चाहिए, उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ज्वाइनिंग जब आपकी हो रही हो तो आपकी 16.5 से 19 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, तो आप इसमें ज्वाइनिंग वगैरह ले सकते हो। तो नंबर एक का करियर आपका हो गया एनडीए, कक्षा 12 पास वालों की, लड़के हो या लड़की दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका ऑफिसर्स में, ठीक है। ऑफिसर्स में अगर आपको जाना है तो आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में कक्षा 12 पास हो अगर आप, तो आपके लिए एक्स एंड वाई ग्रुप की वैकेंसीज आती हैं, टाइम टाइम पे आती रहती हैं दोनों की वैकेंसी, ठीक है। इसमें क्या, आपके ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं, दौड़ भी होती है, और आपका फिजिकल होता है और आपकी मेडिकल होता है। तो इस तरह आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। इसमें क्या, ग्रुप एक्स के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको 50% कक्षा 12 में आपके नंबर होने चाहिए, परंतु मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी आपके पास में होना चाहिए। इसका मतलब जो साइंस स्टूडेंट है, ठीक है, वही इसमें फॉर्म भर सकता है, आर्ट्स और कॉमर्स वाले इसमें नहीं जा सकते। एक और ज़रूरी बात बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही जाते हैं, मतलब लड़के, ठीक है, तो लड़कियां इसमें नहीं जा सकती हैं। तो 12th पास अगर लड़कियां हैं तो सिर्फ एनडीए उनके लिए ऑप्शन बनता है अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, और लड़कों के लिए दोनों ऑप्शन है, या फिर एनडीए के थ्रू भर्ती हो जाओ या आप ग्रुप्स एक्स और वाई के थ्रू भर्ती हो। एनडीए के थ्रू भर्ती होगे तो आप ऑफिसर्स बनाए जाओगे, और एक्स एंड वाई के थ्रू भर्ती होगे तो आप बोलते हैं सिपाही, तो एयरफोर्स में आप सिपाही बनाए जाओगे, जिसे आपने सुना एयरमैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आप एयरमैन इसमें बनाए जाएंगे। मैं इसके बारे में आपको और आगे थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा।
अब देखिए जो ग्रुप वाई है आपका, इसमें क्या है कि कक्षा 12 में आपके 50% होना चाहिए और इसमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि इसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस हेड जो भी है आप इसमें ग्रुप वाई में कोई भी जा सकता है, ठीक है। बट ग्रुप एक्स के लिए मैथ्स आपके पास में होनी चाहिए और इंग्लिश, वो भी 50% नंबर के साथ में, ठीक है। उम्र सीमा आपकी 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मैक्स 21 है। और देखिए एक चीज़ और बता दूं कि कई बच्चे सोचते हैं कि SC है, ST है, OBC है, कुछ छूट मिलेगी, तो कि किसी को कोई छूट नहीं मिलती इसमें, सब बराबर हैं, ठीक है। तो सेना की थोड़ी सी ये खास बात रहती है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, इसमें आपको रैंक वगैरह के बारे में बताते हैं। अगर आप NDA के थ्रू भर्ती हो रहे हो, ठीक है, NDA के थ्रू भर्ती हो रहे हो, तो आप सबसे पहले बनोगे फ्लाइट कैडेट, ठीक है। अब देखिए NDM जैसे आप जाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप जेंटलमैन कैडेट बनाए जाओगे, जेंटलमैन कैडेट GC जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, 3 साल के बाद, ठीक है। फिर आप जब एयरफोर्स में जाओगे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि NDA तो कॉमन होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों जाते हैं, तो 3 साल तो आप जेंटलमैन कैडेट रहे, फिर उसके बाद आप बनेंगे फ्लाइंग कैडेट, ठीक है। उसके बाद जब आपकी कमीशनिंग हो जाएगी, ठीक है, भारतीय वायुसेना में, तब आप बनाए जाएंगे फ्लाइंग अफसर, उसके बाद आप बनाए जाएंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर उसके बाद आपका आता है स्क्वाड्रन लीडर, फिर आपका आता है विंग कमांडर, फिर आता है ग्रुप कैप्टन, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना आपकी ये, इन्हें फील्ड रैंक्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो फील्ड रैंक बोलते हैं। इसके बाद आती है एयर कमोडोर, एयर कमोडोर के इक्विवेलेंट आपने सुना होगा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का नाम, तिरंगा मूवी जो है, तो जो ब्रिगेडियर होते हैं वो एयर कमोडोर के बराबर ही होते हैं, तो एयर कमोडोर होते हैं। फिर एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, तो ये आपको रैंक मिलेंगी धीरे धीरे प्रमोशन पर, ठीक है। कोई डायरेक्ट एयर मार्शल नहीं बन जाता है, सब बनते हैं फ्लाइंग अफसर या फ्लाइंग कैडेट, तो आप धीरे धीरे प्रमोशन पा पा के आपके जो अंतिम साल्स होते हैं, अंतिम ईयर्स आपके सर्विस के होते हैं, आप एयर चीफ मार्शल तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी करियर ग्रोथ रहती है अगर आप NDM भर्ती होते हो, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल, दोनों के लिए सेम चीज़ है, ठीक है। वहीं अगर आप ग्रुप एक्स और वाई के लिए जाते हो, ठीक है, मतलब आप सिपाही बनते हो, आप एयरमैन बनते हो, तो आपके लिए क्या रहने वाला है, तो आप सबसे पहले बनाए जाओगे एयरक्राफ्ट मैन, ठीक है, फिर आप बनाए जाओगे लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, ठीक है, फिर उसके बाद आप बनाए जाओगे कॉर्पोरल, ठीक है, फिर उसके बाद आप बनाए जाओगे सार्जेंट, फिर उसके बाद आप बनाए जाओगे जूनियर वारंट ऑफिसर, फिर इसके बाद बनाए जाओगे आप वारंट ऑफिसर, ठीक है, फिर इसके बाद में मास्टर वारंट ऑफिसर। तो ये भी काफ़ी बड़े पद होते हैं, अगर आप एयरमैन में जाते हो, सिपाही में जाते हो, तो मास्टर वारंट ऑफिसर ये काफ़ी बड़े पद हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी आप जब आपकी नौकरी अंतिम वर्षों में होती है रिटायरमेंट के पहले, तभी आपको करीब ये पद मिल पाते हैं, आपको पूरी सर्विस करने के बाद लास्ट तक ये मिलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्रमोशन पापा कर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्ट भर्ती कोई नहीं होती कि आपकी डायरेक्ट आप जूनियर वारंट अफसर की भर्ती आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है एयरक्राफ्ट मैन से ही, फिर आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने आपको डिटेल में बताया आगे करियर आपका, फ्यूचर करियर एयरफोर्स में आगे किस तरह का रहेगा, ठीक है। कुछ और जानकारी जो आपको बता सकते हैं यहाँ से देखेंगे, ये हमने FAQ लिए हैं, कुछ बच्चों की जो है ना इसमें क्वेरीज आई थी, तो ये हमने गूगल से ही पिक किए हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th विदाउट NDA। तो NDA के बाद अगर आप NDA से नहीं जाना चाहते तो ग्रुप एक्स और वाई की भर्ती आती है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। एक चीज़ आपको और बताऊं कि इसमें जो है आपकी भर्ती एक आती है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की भर्ती आती है, इसमें काफ़ी कम पद होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ग्रेजुएशन वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको नहीं बताया, ये भी भर्ती आती है। एक और भर्ती आती है IAFP, तो ये पुलिस की भर्ती आती है, इसमें भी काफ़ी कम पद होते हैं, कक्षा 12 पास वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सके हैं, ठीक है। तो ये दो भर्ती और होती है, इनमें काफ़ी कम पद होते हैं, तो हम इसे उतना नहीं आपको बता रहे, लेकिन आपको एक रेफरेंस के लिए यहाँ से मैंने आपको गाइड कर दिया है, तो आप इनमें भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा था कि विदाउट NDA कक्षा 12 अगर आप कर चुके हैं तो कैसे जाएं, तो आप ग्रुप एक्स और वाई के थ्रू भी जा सकते हैं। अब देखिए ग्रुप एक्स तो टेक्निकल होता है, जो ग्रुप वाई है इसमें अनडॉन्टेक बोलते हैं इसको, तो इसमें सबको जाते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपने फार्मा कर रखा है तो भी आप वाई में जा सकते हैं, ठीक है, आपने बायोलॉजी वगैरह कर रखी तो आप ग्रुप वाई में जाके आप मेडिकल जो फील्ड होती है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रुप एक्स और वाई में भी आपका एक अच्छा स्कोप हो सकता है। फिर एयरफोर्स जॉब्स आफ्टर 12th साइंस, तो 12th साइंस के बाद में आप जो है ना एक तो NDA में भी जा सकते हो, ठीक है, और दूसरा आपने साइंस से कर रखा है तो आप ग्रुप एक्स में भी जा सकते हो, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स कोर्स आफ्टर 12th फॉर फीमेल, फीमेल के लिए सिर्फ 12th के बाद NDA ही बचता है, ठीक है। इसके बाद एयरफोर्स जॉब्स
आफ्टर 12th साइंस विदाउट एनडीए। तो विदाउट एनडीए मैंने आपको बता दिया साइंस के बाद ग्रुप एक्स। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जिन्होंने साइंस कर रखा वो एक्स में ही जाएं, ये उनकी चॉइस है, वो एक्स और वाई दोनों में भी जा सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th के बाद आप ग्रुप एक्स, वाई और एनडीए तीन में आप जो है जा सकते हैं। फिर इसके बाद हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th साइंस फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अभी तक खुला है, एनडीए, ठीक है, तो एनडीए में जा सकती हैं। हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th फॉर मेल, तो मेल के लिए तो सब कुछ है, एक्स और वाई दोनों में जा सकते हैं और साथ ही साथ आप एनडीए में भी जा सकते हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके बारे में हमने यहाँ से चर्चा कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक जो जानकारी होती है कि आप करियर किस तरह से बनाएं, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एयरफोर्स में जाने के लिए। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो कि ग्रेजुएशन के बाद किस तरह बनाएं या किसी अन्य फील्ड में करियर किस तरह से बनाएं, तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर लगा कि हाँ ये टॉपिक डिस्कस करने लायक है तो फिर जो है ना उस पर एक्सेप्टेड वीडियो बनाएंगे, आपकी जो प्रश्न है उसका जवाब देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।